subscribe and press bell icon and never miss a new update. Very good morning all dear gentlemen, cadet and gentle lady. I'm really happy to say why gentleman cadet and gentleman lady, because today I'm going to talk about the CDS, Combined Defence Services. I think one of the great and the precious opportunity for the all male and female candidate on the graduation standard, जो कि फौज के द्वारा आपको दी जाती है. मैं खुश इसलिए भी हूँ कि आज फाइनली yesterday CDS result announced, CDS का result आ गया है. And obviously this time again a huge selection we got again in UPSC examination and the CDS examination. बहुत सारी सफलताएँ मिली बट बहुत सारे बच्चे साथ ही साथ असफल हुए. आज मेरा मसला और इस मसले को लेके मैं बिल्कुल डिस्कस करने नहीं आया हूँ कि क्या रिजल्ट आए, क्या परफॉर्मेंस हुई और कैसे हुआ. आई एम रियली वॉन्ट टू स्पीक समथिंग फ्रॉम हार्ट. आज शायद कुछ चीज़ें मैं दिल से कहना चाहता हूँ रिगार्डिंग CDS प्रिपरेशन, CDS एग्जाम एंड द ऑल एस्पिरेंट्स इन इंडिया फॉर द CDS. ऑब्वियसली समवेयर गाइस यू आर कन्फ्यूज अबाउट द रियल गोल, टारगेट एंड द एम इन योर लाइफ. इतना बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी. 10+2 स्टैंडर्ड तक जब मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ तो कन्फ्यूजन्स होती हैं. शायद एज क्राइटेरिया कम पड़ जाता है जब हम कमीशन अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं. कॉन्वेंट स्कूलिंग का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हमारा एज क्राइटेरिया ऐसा होता है कि 18.5 बहुत जल्द बीत जाते हैं. आखिर इसके बाद फौज में जाने का सबसे बेहतर रास्ता हमारे पास क्या होता है? बहुत सारे बच्चे दुर्भाग्यपूर्ण एक अटैम्प्ट दो अटैम्प्ट मिलने की वजह से फाइनली वो कमीशन नहीं हो पाते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट ही रह जाते हैं SSB सीरीज में. बट उनके अंदर का जज्बा, उनके अंदर का सपना व्याप्त रहता है फौज को ज्वाइन करने के लिए. और जब इन सारे सपनों को जोड़ के मैं देखता हूँ तो आई थिंक CDS इज़ वन ऑफ द ग्रेट एंड बेस्ट करियर ऑप्शन इन द डिफेंस. कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज एक बेहतर ऑप्शन है. निराशा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि फाइनली अगर आप YIND नेशनल डिफेंस एकेडमी सेलेक्ट होते हैं तो लाजमी सी बात है कि आप एकेडमी में 4.5 ईयर गुजारते हैं. और जब आप YICDS सेलेक्ट होते हैं तो आप एकेडमी में 1.5 ईयर गुजारते हैं. तो आई थिंक 3 ईयर ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है, वो एकेडमी का पार्ट बन के आप करें या एकेडमी के बाहर आप करें. तो मुझे लगता है कि जर्नी, उत्साह जो 10+2 लेवल पे NDA के अंदर बच्चों के अंदर दिखाई देता है, वाई स्टॉप इन ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड. आखिर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे आने पे ये चीज़ें कम क्यों हो जाती हैं? ईच एंड एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1.5 and 2 lakhs कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन इन अ 2 part. फर्स्ट अटैम्प्ट एज यू नो इन मंथ ऑफ फैब, और आज शायद जिसके रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो एग्जाम फैब में कंडक्ट हुआ. एंड फाइनली वी हैव अ रिजल्ट एंड वेरी हैप्पी टू से कि लाइक अब एग्जाम जो नेक्स्ट आपका है इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, आई थिंक अगर टाइम गैप देखें तो लाइफ का आपका प्रीसियस टाइम स्टार्ट हो चुका है. दुनिया में किसी भी प्रोफेशन को आई थिंक 6 months से 1 year लगते हैं जब आप खुद को फोकस कर रहे होते हैं. पहला अटैम्प्ट आपका सेप्टेम्बर होगा अगर मैं अभी से बात करूँ, और सेकेंड आपके पास फिर से फैब होगा जो कि 2020 में होगा. यू नीड टू वेकअप गाइस, आपको समझना होगा, जगना होगा और भिड़ना होगा. ग्रेजुएशन पे आने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं. मैं समझता हूँ फैमिली दबाव, प्रेशर, हम सिविल की ओर भी फोकस होते हैं, स्टेट एग्जाम्स में भी हम फोकस करते हैं खुद को, अन्य तरह के कई अपॉर्चुनिटीज़ हम तलाशने लगते हैं. और इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो फौज के प्रति हमारा जज्बा होता है, जो जुनून होता है, उसको हम मिस कर जाते हैं. जनमैन यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल, आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट एग्जामिनेशन ऑल्सो. ज़रूरत है उसी जज्बे को, उसी फोकस को बरकरार रखने का जो आपने 10+2 स्टैंडर्ड पे किया. CDS इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी जहाँ आपको प्रॉपर 2 time रिटन एग्जाम फेस करने होंगे, उनके आधार पर प्रॉपर आपको SSB फेस करने होंगे, और फाइनली आप अपने को कमीशन पाएंगे. द पॉइंट व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे हियर कि व्हाई दिस एनर्जी स्टॉप, लेट्स स्टार्ट टू एनालाइजिंग द ऑल एस्पेक्ट रिगार्डिंग द CDS एग्जामिनेशन. बच्चों में कभी कभी कन्फ्यूजन भी है. बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है IIMA का, आपके पास ऑप्शन है इंडियन मिलिट्री अकेडमी के अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी का जो कि आर्मी विंग के लिए है, आपके पास ऑप्शन है एयरफोर्स विंग के लिए, आपके पास ऑप्शन है नेवल विंग के लिए. ऑब्वियसली नेवल विंग की जब हम बात करते हैं तो आपका बीटेक होना अनिवार्य है, बट एयरफोर्स विंग में आप BSc या VSc भी जा सकते हैं. बट हम IIMA एंड OTA की बात करें तो आप किसी भी बैकग्राउंड में आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रखा है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस. जैसा कि आप पेपर पैटर्न की बात करें तो यू आर वेल नोन अबाउट इट कि CDS एग्जाम में आपके 100 question मैथ के हैं, आपके सामने 120 question जनरल स्टडी के पार्ट हैं, 120 question आपका इंग्लिश के पार्ट का है, 100-100 ईच के मार्क्स हैं एंड 120 minutes का आपके पास टाइम है. अगर पूरे पेपर पैटर्न को उठा के देखें तो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है इस पूरे के पूरे एग्जाम में. ऑब्वियसली कन्फ्यूजन भी बच्चों के अंदर बहुत सारी है. अर्थमेटिक का स्टैंडर्ड कोई हुआ नहीं है, इट्स अ वेरी जेन्युइन स्टैंडर्ड. गाइज यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर वो कौन से टॉपिक हैं जो आपसे वहाँ पूछे जाते हैं. ज़रूरत है एक बार प्रॉपर प्रैक्टिस का, ज़रूरत है एक प्रॉपर उन सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का जो उन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. प्रॉब्लम्स क्या है कि बी कंफ्यूज्ड
अबाउट द यूपीएससी एंड समटाइम एसएससी. हमने सारे स्टैंडर्ड को मिक्स कर रखा है. नो, यूपीएससी इज ऑलवेज यूपीएससी एंड इज मेंटेन हिज ओन स्टैंडर्ड, और ये अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है. जरूरत है आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन अप्रोच करने का. ऑन द ग्रेजुएशन कैटेगरी व्हाट आई बिलीव दैट यू हैव अ मेनी ऑप्शंस, मेनी बुक्स एंड मेनी रिसोर्सेज. और शायद ये भी एक अपने आप में बहुत बड़े कन्फ्यूजन का कारण बना हुआ है, बिकॉज मेरा मानना है कि किसी कॉम्पिटिशन की जब मैं बात करता हूँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं आप उस कॉम्पिटिशन से ओरिएंटेड क्वेश्चन को अप्रोच करें. बट कहीं ना कहीं आपकी तैयारी इस तरह होती है जो कि कई दिशा में भटक जाती है, कई तरह के क्वेश्चंस आप लगाते हैं, समय तो वेस्ट हो जाता है बट आप एग्ज़ाम की वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं. तो ज़रूरत है एक बार इस चीज़ को महसूस करने का. एमकेसी पब्लिकेशन इटसेल्फ क्रिएट अ बेस्ट बुक फॉर द सीडीएस इन मैथमेटिक्स, जिसको आप लें और एक बार उन सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करें. जमैन यू विल रियली परफॉर्म अ ग्रेट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन. आपका परफॉर्मेंस कमाल का होगा और आप एक वो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे मैथ सेगमेंट में जो आपके सफलता का एक बड़ा कारण बनेगा. पहले भी टॉक अबाउट द नेक्स्ट जनरल स्टडीज पार्ट. गाइज हैव लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन इन देयर माइंड, बहुत सारी कन्फ्यूजन है. पीपल हैव लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज कि आखिर क्या पढ़ लें, कितना पढ़ लें, कैसा कर लें. सर यूपीएससी है, कॉन्सेप्ट वाइज पूछती है, फैक्ट वाइज नहीं पूछती. वी टॉक लॉट एक्चुअली, हम बहुत बातें करते हैं बट एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कि आखिर ऐसा क्या पेपर आ जाता है, ऐसी क्या चीज़ें पूछ ली जाती हैं. यू नीड टू एनालाइज वंस, आपको एक बार एनालाइज तो करना ही पड़ेगा. यू नीड टू एनालाइज, अगर हिस्ट्री के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आए तो आपको उनको देखना चाहिए. आखिर उन क्वेश्चंस के जवाब आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि उन क्वेश्चंस को जब आप जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब देना केवल ए बी सी डी आंसर तलाशना नहीं होता है. जब आप किसी चीज़ का जवाब देते हैं तो ऑब्वियसली उस चीज़ को महसूस करना, उस चीज़ को एहसास करना भी उतना ही ज़रूरी होता है. और किसी चीज़ को आप एहसास महसूस तभी कर सकते हैं जब उस चीज़ में आपको डेप्थ पता हो. तो आई थिंक ईच एंड एवरी क्वेश्चन इटसेल्फ गिव यू द कॉन्सेप्ट, गिव यू क्लैरिटी कि आखिर किस स्टैंडर्ड तक आपको अपने नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने थ्योरी को अपडेट करना है, जिससे कि कल को आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप उसका आंसर देने के लिए कैपेबल हो. पूरे पेपर पैटर्न को ध्यान से देखें. ईच एंड एवरीथिंग हैव अ वेल रोल. हिस्ट्री का एक रोल है, पॉलिटी का एक रोल है, सब कुछ फिक्स है. एंसेंट नहीं बदल रही है, मिडिवल नहीं चेंज हो रही है, मॉडर्न नहीं बदल रहा है. ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, द होल कॉन्सेप्ट, होल जर्नी इज सेम. वाई सो मच कन्फ्यूजन, वाई पीपल हैव प्रोपेगंडा इन द माइंड कि लाइक इट्स सो ह्यूज, इट्स नॉट अ ह्यूज. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वंस व्हेन यू गो थ्रू आउट ऑन सॉल्व पेपर, जब आप जाएंगे मॉडल पेपर उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप रियली रियलाइज करेंगे. तो किसी के भ्रम में फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है कि यूपीएससी है, ग्रेजुएशन है, बहुत टफ पेपर है, आईएएस के इक्वल है. क्या फर्क पड़ता है, बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं. यू नीड टू रियलाइज, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन बिहाफ ऑफ दैट. आपको एक बार उन सारे क्वेश्चंस को समझना होगा और वाकई में तलाशना होगा किसका असल जवाब क्या है. इस शायद उस जवाब की तलाश ही आपके आत्मविश्वास को इतना बेहतर बनाएगी, आपके कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करेगी कि किसी भी तरह का पेपर आएगा आप एग्जाम में कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द जनरल साइंस, अ जनरल साइंस पार्ट. बस जरूरत है एक बार उन सारे क्वेश्चनर को अप्रोच करने का जो इस कंपटीशन में पूछे जाते हैं. हम कंफ्यूज होते हैं, हम बैंक एसएससी रेलवे की पढ़ाई कर ले रहे हैं, हम सिविल की पढ़ाई कर ले रहे हैं, हम पीसीएस की पढ़ाई कर ले रहे हैं, बट हम तो सीरियस की पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं. यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट द एग्जामिनेशन. आपको इस पूरे एग्जाम को लेकर बहुत फोकस होना होगा इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक योर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क. इंग्लिश की बात करें, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट है, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट है, आपका सिलेक्टिंग वर्ड, पूरा पूरा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है. द पॉइंट इज दैट कि पूरा का पूरा रीडिंग पार्ट है, पूरा कॉम्प्रहेंशन पार्ट है, पूरा का पूरा वकैब है, पूरा का पूरा कॉमन एरर का पार्ट है. जस्ट गो थ्रू ऑल द सेशन. आप एक बार सारे के सारे सेगमेंट पे जाइए. ये वकैब कोई हुआ नहीं है, जरूरत है इन सारे वर्ड्स को एक बार एटलीस्ट देखने का, उन सारे वकैब को महसूस करने का जो कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है. और शायद ये किसी के पढ़ाने मात्र से नहीं आएगा, इस चीज़ को आपको स्वयं से भी महसूस करना पड़ेगा, स्वयं से भी समझना होगा. एक बार उन सारे वर्ड्स का आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देख लेंगे. इनकी संख्या अनलिमिटेड नहीं है जनरलमैन, दे आर द फिक्स 200 या 250 रूट वर्ड जिनके आधार पर सारी की सारी वोकैब जनरेट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आप देखें कि उन सारे वर्ड्स के एंटोनिम क्या है और उनके सिनोनिम्स क्या है. मैंने कहा तो याद हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़, वो इमेज सेट होगी. कल को आपके पेपर में आपके सामने वो चीज़ आएगी तो आप देखते ही परफॉर्म कर पाएंगे. बट जरूरत तो है एक बार देखने की, एटलीस्ट एक बार उन चीज़ों को ध्यान से देखें. कॉमन एरर्स का पार्ट है, यू नीड टू डू प्रैक्टिस. आपको स्वयं से प्रैक्टिस करनी होगी, आपको तलाशना होगा अगर ये एरर यहाँ पे है तो क्यों है. Nobody will do that. I think it's time to wake up with the right energy and with the positivity. You will perform well. और जितने भी बच्चे क्रैक कर रहे हैं उनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो चीज़ है जिसके दम पे वो चीज़ करते हैं. I'm very serious to talk about it because आज मैं इन सारी बातों को इसलिए आपसे कर रहा हूँ
आई थिंक आप में आज भी वही जज्बा है जो 10+2 लेवल का कॉन्सेंट्रेशन आप पे था, जिस ऊर्जा जिस जोश के साथ आप भिड़ते थे, द सेम जोश एंड सेम ऊर्जा रिक्वायर ऑन द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, शायद आप सब कमाल कर ले जाए। और इस पूरी जर्नी में मेजर कलसी परिवार आपके साथ है फॉर द ऑल प्रॉस्पेक्ट, फॉर द ऑल हेल्प, क्योंकि हमारा मानना है कि एक अच्छी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक बेहतर क्लासरूम गाइडेंस मिले, बट साथ ही साथ एक बेहतर मटेरियल और बेहतर क्वेश्चन बैंक का भी होना ज़रूरी है जो इस कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड हो। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक सही क्वेश्चन आप अप्रोच नहीं करेंगे तब तक आपका आत्मविश्वास अच्छा नहीं हो पाएगा, और उन सारी चीज़ों के समन्वय से ही एक फाइनल कैंडिडेट का निर्माण होता है। कमाल की जर्नी है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन की, और कमाल की अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको बिल्कुल हवा ना बनाए, पोपोगंडा ना फैले। आई थिंक ग्रेजुएशन स्तर पे सीडीएस अपने आप में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और आप सब ग्रेट हैं इसके लिए। बस ज़रूरत है एक बार उसी जुनून उसी जज्बे के साथ लगने का जो ज़रूरी है। सबसे पहले बहुत सारा कंग्रेचुलेशन उन सारे बच्चों को जिन्होंने फाइनली एग्ज़ाम क्रैक किया। वेलकम इन द नेक्स्ट फेज, आप एमकेसी परिवार के साथ एसोसिएट हो सकते हैं अगले फेज में जो कि एसएसबी इंटरव्यू के रूप में। वी हैव वन ऑफ द एक्सपर्टाइज टीम फॉर दिस, जहां आपको बेहतर गाइडेंस बेहतर दिशा मिलेगी जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। पहले द ऑल कैंडिडेट दे हैव अ ड्रीम अगेन टू क्लियर द सीरियस एग्जामिनेशन, वेलकम टू आर अकेडमी। बिल्कुल आप सबका स्वागत है हमारी अकेडमी में मेजर कलसी क्लासेस परिवार में, डेडिकेट सीरियस की तैयारी के लिए, सीरियस बैच के लिए, स्पेशलाइज सीरियस के लिए, जहां पे आपको बेहतरीन टीचर बेहतरीन मटेरियल और बेहतरीन सिस्टम मिलेगा केवल एक लक्ष्य को लेकर के कि अपकमिंग सितंबर और अपकमिंग फेब एग्जाम में आप कमाल करेंगे अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। मैं बच्चों यही कहना चाहूँगा कि सीरियस एग्जाम बहुत कमाल का एग्जाम है, जम के मेहनत करिए, सही से मेहनत करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। बिल्कुल निराश नहीं होना उन बच्चों को जिन्होंने एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए हैं, कोई घबराने की बात नहीं, ज़िंदगी हमें सिखाती है और आगे बढ़ने का वजह देती है, और शायद एक वजह आज आपके पास है। और सारे मैंने सारी बातें आपसे बहुत ओपन हार्ट कही हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो बातें हमने कही हैं इन पे आप अमल करेंगे और अपने आप को बेहतर करके कुछ कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द टारगेट इन द लाइफ जो आपको करना है, एंड फर्दर हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अन्य रिसोर्सेज से भी जुड़े मेजर कलसी जिससे टाइम टू टाइम आप सारी इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट पाते रहें। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम, एंड पैरेलली वेलकम ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट टू एकेडमी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।